नमस्कार दोस्तों, आज आपका गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब लाइक करना है। जिन लोगों ने पहले से मुझे सब्सक्राइब और लाइक किया, उनका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पैटर्न पैटर्न कैसे डलवा जाता है। आपको तो मालूम है, बहुत ईजी और बहुत आसान मतलब तरीका है। आज हमको 2018 की नई डिजाइन बताने वाली, वो कैसे की जाती है दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम ही है दोस्तों, ये अपना केले पहले अपन बैकग्राउंड इसे काट लेते हैं, ओके। जो अपना नाप है वैसे ही लेना है और पहले काट लेना न्यूज़पेपर पे, ओके। अभी मैं ये कर रही हूँ अच्छी तरह से। अभी मेरा गला मुझे देखना है कितना है। अभी मैं गला 3.5 लूँगी, यानी अपना डीप नेक है, यानी बड़ा गले में इसके डिजाइन अपन करने वाले। बहुत को क्या होता है, छोटा गले में नहीं जमता, अपने बड़े गले में करने वाले। डीप नेक गला है, 3.5 लूँगी, 3 का ऊपर आ जाएगा, तीरा मेरा होगा 2, और यहाँ में 3.5, ओके। पहले अपना गला तैयार कर लेना है, यानी अपना किस में क्या चाहिए वो आप देख लेना है दोस्तों। ओहो अच्छा हो गया है, अभी अपना डिजाइन डालेंगे। हल्का हल्का डॉट डॉट करते जाना है, यहाँ से स्टॉप कर देना है, ओके। अभी 1 इंच जैसा नीचे करना है, हल्का सा, अच्छी तरह से देखना है दोस्तों। ये अपना पैटर्न है दोस्तों, अभी मैं पूरा ड्रॉ कर लूंगी। इसे अच्छी तरह से डिजाइन कर लेना है, ओके। अभी यहां से मेरा ये बहुत इजी और आसान है दोस्तों। अभी यहां से मैं 1 इंच ले लूंगी, सॉरी 1.5 इंच ले लेना है, ये तो डिजाइन अपनी दिखेगी नहीं, सिलाई के साथ लेंगे अपन। ऐसा 1.5 इंच जैसे ले लेना है, ओके। यहाँ भी 1.5 इंच आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कम ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ भी 1.5 इंच, आपने डिजाइन कैसे बनाई मैंने। और यहां से थोड़ा पांच शेप कर लेंगे, आपको जो अब यहां लगेगा वो अवेलेबल कर लेना है दोस्तों, ओके। अभी हम कटिंग करेंगे, ये डीप नेक में है दोस्तों।
अभी अपनी कटिंग हो गई दोस्तों, देखो अभी अपन फैब्रिक पे लगाएंगे कपड़े पे। अभी मैंने अस्तर लिया है दोस्तों, पहले अस्तर पे पहले जैसे थे वैसे ही ड्रॉ करते जाएंगे। ओके, पहले देख लेना है क्या होता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है दोस्तों। ओके, पहले देखना है कौन सा भाग क्या है, नहीं तो क्या होता है। तो क्या चीज़ पहले बढ़ाना है वो देख लेना है दोस्तों, जैसे वैसे ही रखते जाना है, इसमें कुछ करना है ही नहीं है। बहुत इजी और बहुत आसान तरीका है दोस्तों ये। अभी हम सब रख रहे हैं फैब्रिक पे, अस्तर है मेरा ये पहले। ओके, अभी इसको साइड में रखेंगे। मैंने लिया हुआ है अस्तर, जैसे वैसे ही रखते जाना है। तो क्या बढ़ाना है वो देखना है दोस्तों आपको। पहले ड्रॉ कर लेना है, फिर बाद में आपको बता रही हूँ मैं क्या बढ़ाना है। ओके, अभी ये एक एक इंच जैसा बढ़ाएगी, एक एक इंच, ज्यादा नहीं बढ़ाना, अंदर जाने वाला है। ओके, अभी ये भी वैसे बढ़ा लेंगे। कभी नहीं समझ में आया ना तो देख लेना है कभी भी ध्यान से। ओके, ये ऐसा है ना, अभी ये चीज। इसलिए कभी भी पैटर्न सिलना तो अस्तर ज्यादा ही लगता है दोस्तों, कम नहीं लगता है। ओके, कभी भी आपको पैटर्न सिलना तो ज्यादा ही अस्तर लेना है, कम लेना ही नहीं है। ड्रॉ करते जाओ कि ओके, अभी आपने को देखना है क्या बढ़ाना है। अभी यहां तो मैंने बढ़ाया नहीं था है ना, तो अभी क्या चीज बढ़ाना है आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज अपन बढ़ाएंगे, अभी इसे ड्रॉ करेंगे। ये चीज बढ़ गई और ये नीचे की चीज बढ़ गई, जो यहाँ बढ़ाया था यहाँ बढ़ाया था। ओके, ये देखो है ना, कंफ्यूजन हो रही तो वापस इधर देखना है पैच लगा किया कि अपने को फिर इजी पड़ जाता है ना ऐसा। अब इसको साइड में रखेंगे और ये अपना पैच है, पैच को भी चारों तरफ से बढ़ा लेना है, देख लेना है। इसके अपन कटिंग करेंगे, पहले अस्तर पे कटिंग कर लेना और इसे ड्रॉ करते ले जाना है दोस्तों। अभी इसके अपन कटिंग कर लेंगे। Thank you.
अपनी कटिंग हो गई है दोस्तों। अभी अपन फैब्रिक पे रखेंगे। अभी मैं अपना मेन फैब्रिक है इसको भी जैसे थे अस्तर वैसे ही रखते जाना है सेम। ओके ओके अब इसकी कटिंग करेंगे। ये नहीं होगा, ये यहाँ आने वाला है ये पैच। अब इसके अपन कटिंग कर लेंगे। अब ये फैब्रिक अपना है, ये अपना पैच होने वाला है दोस्तों। अभी अपना यह कटिंग हो गया है दोस्तों। अभी इसकी स्टिचिंग करेंगे। फेविकोल से सब चिपका लिया है दोस्तों, देखो कैसे फेविकोल से चिपकाया है। ओके अभी इसको अपन पाइपिंग कर लेंगे। जैसे मैंने ये पट्टी काटी हुई पाइपिंग के लिए डेढ़ इंच जैसे एक इंच जैसे अभी पहले अपन ज्वाइन कर लेते हैं। ओके क्रॉस में ज्वाइन, जैसे आपको मालूम ही है मैंने एक वीडियो बताया है पाइपिंग का कैसे डालना है दोस्तों। ये पाइपिंग देती तो अच्छी रहती है। पाइपिंग बना लूँगी पहले। अभी मैंने काट ली और ज्वाइंट कर लिया है। अभी मैं एक साइड फोल्ड कर लूँगी। अभी अपन पाइपिंग लगाएंगे, देखो कैसे लगाना है। आपको मालूम है मैंने हर वीडियो में बताती हूँ और अभी भी देख रहो आप कैसे लगाना, धीरे धीरे करके लगाना है, घाई थोड़ा भी नहीं करना है दोस्तों। अभी आपको पॉइंट देखना है, पॉइंट होता है ना जहाँ अपना सुई ऐसे दबा देने, जैसे मैंने कैसे दबाई वैसे, और इसको ऐसा करके थोड़ा हल्का सा शेप में ले लेंगे। इससे अपनी पाइपिंग का टोक अच्छी तरह से दिख के आएगा। जो एक्स्ट्रा है वो काट लेंगे, फिनिशिंग कर लेंगे और हल्का सा यहाँ नॉचेस मार लेंगे, यानी कट कर लेंगे। सिलाई को छोड़ के करना है दोस्तों, और यहाँ भी जहाँ अपना राउंड शेप है यहाँ भी। ओके अभी यहाँ मैं पाइपिंग लगा लूँगी, डोरी डाल दूँगी जैसे डोरी ली थी मैंने। ऐसे लेना है और ऐसे करके ऐसे। ओके कैसा, अभी ये लास्ट में आपको बता रही हूँ मैं कैसे करना है। वो मैं आपको वगैरह कैनवस का बता रही हूँ दोस्तों, वगैरह कैनवस का है ये। ओके अभी ये आया तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ से ऐसा काट लेंगे और इसको ये कर लेंगे और थोड़ा सिलाई को छोड़ के कट लगाना है इसी तरह से। ओके ज़्यादा होगा तो और ऐसा लग रहा है अपने को, बाद दिख रहा है तो थोड़ा काट लेना है। ओके अभी ये अपनी पाइपिंग हो गई। अभी इसको डबल सिलाई मार लेंगे हल्का सा।
रखा है आपने, अब यहाँ थोड़ा हल्का सा घुमा लेते हैं। ये बूट का नाप रखना है और एक जैसी सिलाई आनी चाहिए दोस्तों, आड़ी टेढ़ी नहीं आनी चाहिए। ओके, अभी जैसे इसको क्या, अभी सब जगह ऐसे ही पाइपिंग हम कर लेंगे। अभी आपने देखा ही होगा मैंने कैसे पाइपिंग, अभी मैंने सब पार्ट को पाइपिंग ऐसे दोरी से लगा लिए दोस्तों। ओके, अभी हम ज्वाइंट करेंगे। पार्ट कैसे ज्वाइंट किया जाता है, अभी सब पार्ट साइड साइड करेंगे और ज्वाइंट करते जाएंगे। पहला पार्ट होगा अपना ये, आपने देखना है दोस्तों, मैं एक एक ज्वाइंट करते जाओगी। नहीं समझ में आया तो अपना लेवल देखना है दोस्तों। ओके, यहाँ से ऐसा पूरा लेवल देखना है। ओके, और ये, और पिनअप करते जाएंगे। पहले यहाँ से पहले अपना पिनअप कर लेंगे, एक एक करना है, अपने को मालूम पड़ता है अपन क्या करें। मैं पिनअप कर दूंगी पहले, इससे क्या होता है अपने को सपोर्ट मिल जाता है ऐसे। ओके, है ना, एक पार्ट ये हो गया। अभी दूसरा पार्ट तैयार करेंगे अपन, अच्छी तरह से देखना है दोस्तों। ये बहुत आसान है, खाली इसके पाइपिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। पाइपिंग आपकी अच्छी गिने तो आप कौन सा भी पैटर्न आराम से कर सकते हो दोस्तों। इसे मैं पिनअप लगा लूँगी फटाफट। अभी देखा ना दोस्तों मैंने कैसे पहले पाइपिंग लगा ली और मैंने सब पिनअप से, मैंने पहले पिनअप से कर लिया है। जो टाचन आती है वो बाजार में अवेलेबल मिल ही जाता है दोस्तों, वैसे कर लेना है। और पहले अपना सेटअप बैठ लेना है, क्या आड़ा टेढ़ा होना चाहिए पैटर्न है। तो क्या होता है कभी कभार, क्या होता है अपन लगा देते फिर आड़ा टेढ़ा आ जाता है, ये कम होता तो ये ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अच्छी तरह से बिठा लेना है और एकदम अच्छी तरह से देख लेना है दोस्तों पूरा पैटर्न कैसे। अभी मैं धीरे धीरे करके सिलाई करती जाऊँगी और पिन निकालती जाऊँगी दोस्तों। आपने देखना है मैं ऐसे एक एक खोलने वाली हूँ और पिन और सिलाई मारती जाऊँगी, है ना। इसे एक 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 खोलते जाना है और इसे क्या अपने को दिक्कत नहीं होती फिर पैटर्न सिलाई करने में ऐसे। और सुई दबा देनी है दोस्तों धीरे धीरे, ओके। अभी इसको भी वैसे ही कर लेंगे जैसे उसको किया था। इसको भी कर लेंगे, जो अपना पहले ब्लैक दोरा है ब्लैक दोरे से करते जाना है। इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, येलो दोरा डाल देंगे। ये निकाल लेंगे, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे।
एक्स्ट्रा दोहरा धागा काट लेंगे। अभी अपने पैटर्न रेडी हो चुके हैं दोस्तों। ओके, अभी यहाँ भी मैं एक बार पाइपिंग कर दूँगी, ये फिनिशिंग हो जाएगा। ओके,